राज मेहता का उल्टा चश्मा। आ आ आ आ आ आ आ गए आ गए भाई। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे कबूतरों। जब से सुबह सुबह आप लोगों से मिलना शुरू किया है ना, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आशा करता हूँ मुझसे मिलके आप लोगों का दिन भी बहुत अच्छा जाता होगा। हैव अ ग्रेट डे। रोज रोज अपने ही हाथों की चाय पी के अब मैं बोर हो गया हूँ। भगवान तो कुछ तो ख्याल करो मेरा। आपको मेरे साथ ये खेल खेलने में क्या मजा है? नहीं, आज आप बता दीजिए भाई क्या मजा आ रहा है आपको, हैं? अरे कब तक मैं खुद ही चाय बनाऊंगा और खुद ही पीऊंगा, खुद ही खाना बनाऊंगा और खुद ही खाऊंगा। अच्छा लग रहा है आपको? तो आपने मेरे बारे में जो सोचा है अब बता दीजिए। अब बहुत लेट हो रहा है, मैं कितने सालों से ऐसे अकेले रह रहा हूँ। मैं आपसे ज्यादा कहाँ कुछ मांग रहा हूँ, सिर्फ शादी के लिए एक सुंदर सुशील कन्या ही तो मांग रहा हूँ बस। चलो भाई, आज तो चाय तुम्हें ही बनानी है। चीनी खत बोलो। इस चाय की हालत भी मेरे जैसी है, अधूरी। इसके पास चीनी नहीं है और मेरे पास पत्नी। आपको पता है जैसे पत्नी पति के जीवन में मीठापन लाती है ना, वैसे चीनी चाय के जीवन में। चलो मेरा ना सही, इस चाय का अकेलापन तो दूर कर दूं। और अब्दुल मियां, गुड मॉर्निंग पापड़ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक किलो चीनी दे भाई, अभी चाय बना रहा था तभी पता चला कि चीनी खत्म हो गई। अभी देता हूँ, ये लीजिए। लाओ भाई लाओ अब्दुल। कितना हुआ? 70 रुपया। 70 रुपया? चीनी इतनी महंगी हो गई? अरे पोपट भाई, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है, बिजली का भाव बढ़ गया है, तो इसका भी भाव बढ़ जाएगा ना। ये महंगाई आम आदमी को जीने नहीं देगी। अरे पोपट भाई, महंगाई के बारे में छोड़ो, अपने शादी के बारे में सोचो। अरे वो तो मैं दिन रात सोचता हूँ भाई। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है, उनको मुझे ज्यादा दिन तक कुंवारा रखना परवड़ेगा नहीं, उनको जल्दी मेरी शादी करानी पड़ेगी। वो तो आपने सही कहा, अब जल्दी से घर जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। कौन? आपकी चाय। और हाँ अब्दुल, ये सर को ठंडा रखने वाला तेल भी दे। ओपर भाई, अभी स्टॉक में है नहीं, मार्केट जाऊंगा और लाकर दे दूंगा। ठीक है, दोनों हिसाब में लिख देना। हा? मैसेज जरूर मैरिज ब्यूरो से होगा। दूसरी शादी करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दूसरी शादी योजना के अंतर्गत ये प्रस्ताव पास किया है कि अगर कोई इंसान दूसरी शादी करना चाहता है तो उसकी शादी के खर्चे का 50% सरकार देगी। अरे ये तो हद हो गई, सरकार ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? अरे देश के इतने सारे कुंवारे एक शादी करने के लिए तड़प रहे और वहाँ सरकार दूसरी शादी करने वाले को प्रोत्साहित कर रही है। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। पोपट बेटा, क्या हुआ? अकेले अकेले क्या बड़बड़ कर रहा है? सरकार की वजह से, सरकार ने हम कुंवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन क्या हुआ? क्या वही जो नहीं होना चाहिए था? लेकिन चाचा जी, अब मैं वो करूँगा जो होना चाहिए। ये भाई पहले बता तो सही, बात क्या है, इतना गुस्से में क्यों है? अरे आपको पता है सरकार ने अभी नया प्रस्ताव पास किया, जो दूसरी शादी करेगा उसकी शादी का 50% खर्चा सरकार देगी। ये सही है, ये गलत नहीं है, हम कुमारों के साथ अन्याय नहीं है। चाचा जी, मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, धरने पर बैठूंगा, सरकार को अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या हुआ चाचा जी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कर रहा है डिब्बे, इधर तमाशा मत कर, तू चल घर, चल घर, चल शांति से बैठ के बात कर। ये तो
आंदोलन करके रहूंगा। एक मिनट, क्या हुआ भाई? किसके खिलाफ आंदोलन करना है? मेरे ब्यूरो के खिलाफ? देखो जेठालाल, मैं इस वक्त बिल्कुल मस्ती के मूड में नहीं हूँ। अरे क्यों उसकी मस्ती कर रहा है जेठिया? देख नहीं रहा वो कितना गुस्से में? तो नहीं, मतलब मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी के गुस्से में क्यों है। क्या हुआ, फिर से किसी लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया? क्या बोल रहे हो जेठालाल? मुझे आज तक किसी लड़की ने शादी के लिए मना नहीं किया। अच्छा, तो फिर आज तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमने भी तो आज तक किसी भी लड़की को शादी के लिए मना नहीं किया है। वो सब मेरी कुंडली का दोष है, हमेशा ऐसी बाधा पैदा करती है कि मेरी शादी होते होते रुक जाती है। तो अभी तुम्हें आंदोलन किसके खिलाफ करना है? भगवान के खिलाफ? नहीं, सरकार के खिलाफ। क्यों? अरे सरकार ने देखो ना कैसा फैसला लिया है, जो दूसरी शादी करेगा उसकी शादी का 50% खर्चा सरकार देगी। सरकार देगी या जो भी दूसरी शादी करेगा तो उसको अपनी शादी का आधा खर्चा सरकार को देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जो दूसरी शादी करेगा उसकी शादी का आधा खर्चा सरकार देगी। क्या बात कर रहे हो? वो क्या खुश हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? अरे ये अन्याय नहीं है? अरे भाई, अगर खर्चा देना ही है तो कुंवारों की तरफ देखो, उनके लिए खर्चा दो। तो दूसरी शादी कर रहा है उसके लिए 50% खर्चा? अरे पोपट बेटा देख, मुझे कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सरकार ऐसा फैसला नहीं ले सकती भाई, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है। अरे भाई, ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, चाचा जी जानते, लेकिन सरकार नहीं जानती है। सरकार नहीं जानती? नहीं जानती है, तभी तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। चाचा जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे शुरू करूं? अरे बेटा, ये क्या पूछ रहा है, मुझे क्या पता? मैं यहाँ कोई आंदोलनकारियों के लिए कोचिंग क्लास खोल के थोड़ी बैठा हूँ। नहीं, मतलब आपने अपने जमाने में अपने गांव में अन्याय के खिलाफ काफी आंदोलन किए होंगे ना, इसलिए आपसे टिप्स मांग रहा हूँ। तू मुझे एक बात बता, तुझे किसने बताया कि सरकार ने ये फैसला लिया है? अरे मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। सरकार की तरफ से? नहीं, मेरे पत्रकार दोस्त ने मुझे भेजा। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ, ये देखिए। चाचा जी, आप हंस रहे? क्या हुआ बापू जी? तू ही फोड़, तू ही फोड़। जेठालाल, तुम भी हंस रहे हो? अरे आप दोनों हंस क्यों रहे भाई, कुछ बोलो। पापा जी बताइए, आप ही बताइए। तू ही बता। अरे दोनों में से कोई भी बोलो, लेकिन बोलो। पापा जी आप ही बता दीजिए। अरे दोनों में से कोई तो बता दो भाई। अरे पोपड़ बेटा, तू पोपड़ बन गया। अरे ये मैसेज पढ़, पूरा पढ़। अरे तेरे पत्रकार दोस्त ने तुझे अप्रैल फूल बनाया है, पढ़। अरे हाँ, ये तो सच में उसने मेरे साथ मजाक किया है। हाँ तो और नहीं तो क्या। तू भी ना पोपट बेटा, पूरा मैसेज पढ़ता नहीं है और आंदोलन करने चला था। सरकार के खिलाफ वो भी। सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी चाचा जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसकी तो आज खैर नहीं। चलिए मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ बेटा, हमारे साथ चाय नाश्ता करके जा। नाश्ता दो ना मम्मी। आ जाएगा, आ जाएगा। समोसा बनने में यार। नाश्ते में समोसे, ये सुनकर मुझसे वेट नहीं हो रहा यार। अरे आ जाएंगे, आ जाएंगे, इतना परेशान मत हो। एक गोगी परेशान नहीं हो रहा हो, लेकिन तुझे तो पता है ना समोसे मेरे फेवरेट है। अच्छा गोली, वैसे और क्या क्या तेरा फेवरेट है? अरे सोनू, तूने कहां इससे ये सवाल पूछ लिया? अगर गोली अपनी फेवरेट खाने की चीजें गिनाने बैठा ना तो शाम हो जाएगी। वो भी है। गोली तू रहने दे। हाँ, पूछना है तो ये पूछ कि कौन सी चीजें इसे खाने में नहीं पसंद। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, पर मैं खाने में ना भेदभाव नहीं करता हूँ।
सबको इक्वली प्यार करता हूँ। बस मम्मी पापा की डांट को छोड़कर मुझे खाने में सब पसंद है। ओ सेम यार। मैं किचन में जाके देख के आता हूँ समोसा रेडी हुआ कि नहीं। नहीं, 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 नहीं गोली तू अंदर मत जा। क्यों? क्योंकि अगर तू अंदर गया ना तो समोसे बाहर नहीं आएंगे। पता चला सारे समोसे अंदर ही। Exactly, टप्पू सही कह रहा है। गोली तू बैठ, मैं कोमल आंटी की हेल्प कर। बैठ जा, बैठ। चिते, तेरे अंदर अचानक खरगोश जैसी स्फूर्ति कहाँ से आई? हाँ। अरे यार तुझे तो पता है ना समोसे मेरे फेवरेट है, नीचे कैसे गिरने देता। अच्छा बच्चों तुम लोग समोसे खाना शुरू करो, मैं और लेकर आती हूँ। ला 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 गोली समोसे ला। अरे क्या ला? मैं सुना नहीं मम्मी ने क्या बोला? वो दूसरे समोसे बना के ला रही है। ये समोसे वैसे भी मैं तुम लोग को नहीं दे सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि ये समोसे पे मेरा हार्ट टच हो गया है, तो इसलिए ये समोसे झूठे हो गए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड्स झूठा खाना खाए, हाँ? तो इसलिए ये चार समोसे मैं खा लेता हूँ। जो नए समोसे आएंगे गरम गरम वो तुम लोग खा लेना, हाँ? अरे यार मजाक कर रहा हो, खाओ खाओ ये ले गोगी। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सर, क्या बात है सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? वो हम सब गोली के घर नाश्ता करके आ रहे। अच्छा वैसे पोपट अंकल आप कब बुला रहे हो आपके घर पे नाश्ता करने? अरे कभी भी आ जाओ। तो अभी चले? अभी? अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट अंकल। नहीं नहीं एक्चुअली क्या है ना मुझे एक अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना है, वरना अभी ले चलता। पता है पोपट अंकल हमारे लिए आपके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सच में पोपट अंकल मैं आपके घर पे कभी भी आ सकता हूँ? गोली बेटा मजाक नहीं। बच्चों एक काम करो, इस संडे को सुबह सुबह आप सब मेरे घर आ जाओ, आप सबके लिए स्पेशल नाश्ता बनाता हूँ। पता क्या खाओगे? सॉरी पोपट अंकल संडे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको तो पता है ना हर संडे हमारे घर पे जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम फिक्स होता है। संडे को तो पापा का भी गैरेज बंद होता है। एक्चुअली संडे को हम सबके पापा की छुट्टी होती है। एक संडे ही ऐसा दिन है जब फुल फैमिली मिलकर आराम से नाश्ता कर सकता है और टाइम स्पेंड कर सकता है। हाँ पोपट अंकल। अरे पोपट अंकल मैं आ सकता हूँ, पहले मैं अपने घर पे नाश्ता करूंगा अपने फैमिली के साथ और फिर आपके घर पे आ जाऊंगा नाश्ता करने। पक्का आना। लेकिन एक बात कहूं बच्चों, आप सब बहुत लकी हो, आप सबका अपना अपना परिवार है, आप अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो वीकडे हो या वीकेंड सब एक जैसा ही है। अभी ये सारे मजे करता हूं लेकिन अकेले। लेकिन जब भी आप सब मेरे घर आ जाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पोपट अंकल हम संडे को आपके घर आते हैं। हाँ। हाँ। नहीं नहीं बच्चों फैमिली फर्स्ट। पोपट अंकल आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप भी तो हमारी फैमिली हो। अरे आप कहो तो पूरा हफ्ता आ जाते हैं आपके घर आपको कंपनी देने। और आपको एक सेकंड में अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। वाह 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 बच्चों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहुत जल्द शादी हो जाए और मेरे बच्चे भी आप सबकी तरह गुणी और संस्कारी हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। देखना पोपट अंकल इस साल आपके शादी के बारात में हम लोग जम कर नाचेंगे। मैं भगवान से रोज प्रे करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए।
थैंक यू बच्चों, आप सब मेरे बारे में कितना सोचते हो। पोपट अंकल, ये कोरोना के चलते 1.5 साल से कोई पार्टी नहीं हुई है। आपकी शादी पहली पार्टी होगी इस साल की, और देखना आपकी पार्टी में तो मैं पूरे साल की खाने की कसर निकाल दूंगा। अरे गोली, ठीक है बेटा ठीक है, चलो बाय बाय, चलता हूँ मैं। हाँ गुड डे। पोपट अंकल का पॉजिटिव एटीट्यूड कितना कमाल का है, अकेले हैं फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। वैसे फ्रेंड्स बहुत दिन हो गए ना हमें पोपट अंकल के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, तो एक काम करते हैं, आज रात को पोपट अंकल जब ऑफिस से घर आएंगे हम उनके साथ आइसक्रीम पार्टी करते हैं। हाँ गुड आइडिया, उन्हें सरप्राइज देते हैं। डिनर के बाद डेजर्ट पोपट अंकल के साथ। हाँ लेकिन सुनो, आइसक्रीम का फ्लेवर मैं डिसाइड करूंगा। हाँ हाँ ओके, और गोली आइसक्रीम भी तू ही लेकर आना। लेकिन मेरे भाई हम पर एक एहसान करना कि आइसक्रीम तो वन पीस में लेकर आना बिना खाए। हाँ हाँ, और गोली तू एक काम कर, हम सबके लिए आइसक्रीम कप्स लेकर आ। हाँ हाँ बेटर है, ठीक है ठीक है। गोली आया क्यों नहीं अभी तक, कहाँ रह गया? मैंने तो लगता है वहीं आइसक्रीम खाने बैठ गया होगा। अरे यार गोली को अकेले भेजने ही नहीं चाहिए था हमें। फ्रेंड्स मैं आ गया आइसक्रीम लेके। एक गोली, तुझे आइसक्रीम भी कब्स लाने बोला था, तो फैमिली बैग क्यों लेकर आया? हाँ बिकॉज़ वी आर अ फैमिली ना। सॉरी यार, सेपरेटली कब्स के जितने पैसे थे उतने ही पैसों में मुझे पूरा फैमिली पैक मिल गया। अब कम पैसों में ज्यादा आइसक्रीम मिलेगी तो वही लूंगा ना। पर खाने के लिए कटोरी और चम्मच चाहिए ना, वो तो नहीं अपने पास। एक बार खरीदने के पहले 10 बार एक बार तो सोचा कर। अरे इट्स ओके गोगी, कटोरी और चम्मच हमें पोपट अंकल के घर पे मिल जाएंगी। हाँ हाँ टप्पू यू आर राइट, पर कोहली को समझाना जरूरी है। गोली तो समझ गया ना गोगी ने क्या कहा, समझ गया ना? गोगी अब तू समझ जा कि गोली समझ गया। समझ गया समझ गया। चलो चलो पोपट अंकल को सरप्राइज दे रहे आइसक्रीम वाले। चलो 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 चलो, आजा आजा मजा आएगा आइसक्रीम। चलो घर का सारा काम निपट गया, अब मेन काम करता हूँ। मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी बेटर हाफ को ढूंढता हूँ। कौन आ गया मेरी तपस्या भंग करने? अरे आ रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा बेटा, कैसे हो पोपट अंकल? पोपट अंकल बहुत काम। क्या बात है क्या बात है भाई, अचानक कपूर सेना मेरा घर पर, वो भी इस वक्त। अरे पोपट अंकल इसके लिए। ओह आइसक्रीम तेरे लिए, अरे थैंक यू बच्चा। नहीं नहीं पोपट अंकल एक मिनट, ये आइसक्रीम आपके लिए नहीं है, ये तो हम खाने वाले हैं। मतलब तुम लोग मेरे घर पर मेरे सामने बैठ के आइसक्रीम खाने आ? पोपट अंकल वो बात ये है कि हमने गोली को हम सबके लिए आइसक्रीम कप्स लाने को कहा था, लेकिन वो पूरा फैमिली पैक उठा लाया। तो उतने पैसों में ज्यादा आइसक्रीम मिल रही थी तो वही लाऊंगा ना। गोली हमेशा फायदे का ही सौदा करता है। फायदे का सौदा था लेकिन कायदे का नहीं। अब देखिए ना पोपट अंकल, गोली इतना बड़ा फैमिली पैक लेके आ गया, अब इसको खाएंगे कैसे? हाँ हमारे पास ना तो चम्मच है ना ही कटोरियाँ, तो बस आ गया फिर घर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम सिर्फ कटोरी और चम्मच लेने के लिए मेरे घर पर आ गए? हाँ। मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे? नहीं। सिर्फ कटोरी और चम्मच के लिए आप लोगों ने पोपट अंकल को याद किया? बहुत बहुत गलत किया आप लोगों ने आज। अरे मुझे लगा कि आप सब मुझे मिलने आए हो, हम लोग साथ में बैठ के आइसक्रीम खाएंगे मजे करेंगे, लेकिन आज आज हर्ट कर दिया बच्चों आप लोगों ने। अरे पोपट अंकल हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं। देखिए हमें कटोरिया चम्मच तो किसी के भी घर से मिल जाती, अरे हम तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए यहाँ पर। एक मिनट पोपट अंकल, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं इस आइसक्रीम पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि टप्पू जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा है।
अरे वाह वाह वाह, मैं गोली खाने की झूठी कसम नहीं खा सकता। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सच में आप सब लोग ऐसे बीच बीच में आ जाते हो ना, तो मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। वरना कभी कभी तो ये घर काटने को दौड़ता है, फैमिली नहीं है ना। ओपन अंकल, इसलिए तो हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, आपका अकेलापन दूर करने के लिए। और आपको ये बताने कि आप अकेले नहीं है, हम है ना आपके साथ, आपकी फैमिली। Yes. Thank you, बच्चो। नहीं नहीं नहीं, रोना मत, रोना मत, रोना मत, रोना मत। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। सुनिए, आपको नहीं बोल रहा पोपट अंकल, क्या देखिए ना आइसक्रीम को पिघल पिघल के रो रही है। तो शांत कर रहा हूँ, एक शांत हो जा भाई, तुझे खाएंगे। गोली। गोली आइसक्रीम देना। हाँ, मैं सबके लिए सर्व करके लाती हूँ। अरे वाह वाह, सुना सुनो, सबको साइज के हिसाब से सर्व करना, सबको कटोरी में देना, मुझे कटोरे में दे। हाँ हाँ डन, चलो मैं आती हूँ। वैसे पोपट अंकल, आप कर क्या रहे थे? हाँ, मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए रिश्ता ढूंढने वाला था। ओ मतलब टाइम पास कर रहे थे? नहीं गोली, टाइम पास नहीं कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा। अभी थोड़ी देर पहले फैमिली फैमिली कर रहे हैं और अब सब मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं। लेकिन बच्चों सच कह रहा, आप लोग बीच बीच में यहाँ आ जाते हो ना, तो मेरा वक्त अच्छे से कट जाता। ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल गया। अरे वाह सोनू, अच्छा बात तूने बता दिया कि ठंडी है, मुझे लगा आइसक्रीम गर्म है। फोन बज रहा है। फोन कहाँ गया? अरे बच्चों जरा उठो जरा, तो तुम लोग बैठे हो वहाँ पे, नीचे फोन तो नहीं है ना? अरे गोली उठना, मुझे लगता है तेरे पीछे ही फोन होगा। आइसक्रीम काटे काटे कहाँ उठा रहे हो, कॉल बैक कर लेना ना। अरे गोली कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है भाई, उठना बेटा। अभी आइसक्रीम से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है बोबर अंकल? अरे कुमारों और पत्रकारों के लिए फोन बहुत जरूरी होता है। ये प्रेस से फोन हो सकता है, लड़की वालों का फोन हो सकता है। क्या है ना, वो लड़की के माता पिता दिन में तो बिजी रहते हैं ऑफिस में घर में, ये जनरली इसी वक्त टाइम मिलता है उनको फोन करने का। लेकिन पापा अंकल। अरे तो उठना भाई, फोन बज रहा है ना। देख देख उधर देख, ये रहा देख देख। हेलो हेलो पोपटलाल जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा? कौन पूजा? जी मैं पूजा अग्रवाल, तूफान एक्सप्रेस की इंदौर ब्रांच में पत्रकारिता का काम करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तूफान एक्सप्रेस के इंदौर ब्रांच में काम करती है? हाँ, ये पोपटलाल जी का ही नंबर है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार पोपटलाल का ही नंबर है और आप उन्हीं से बात कर रही है। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कैसे आप पोपटलाल जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बताइए बताइए। कुछ काम था आपको मुझसे? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा पोपटलाल जी, मैं कल मुंबई आ रही हूँ, मुझे तूफान एक्सप्रेस के मुंबई ब्रांच में केस के रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी है। अरे वाह 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 वाह, स्वागत है आपका मुंबई में, आइए जरूर आइए। वैसे हम पहले कभी मिल चुके हैं पूजा जी? मिले भी है और नहीं भी। मतलब? आपको याद है 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे? आया था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कब मिला था। वही बता रही हूँ, उस सम्मेलन में आपने एक लेक्चर दिया था जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी थी। थैंक यू। अरे इतनी तारीफ तो आज तक खुद मैंने अपनी नहीं की है। आपका लेक्चर सुनने के बाद मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको अप्रिशिएट करना चाहती थी, लेकिन उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो हम कल मिल लेंगे यहाँ मुंबई में। मैंने इसीलिए तो आपको भी फोन किया है। अच्छा पोपटलाल जी, कल चाहे जो भी हो आपको मुझसे मिलना ही होगा। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर से पर्सनली मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आवाज से तो मेरी उम्र की लग रही है। नहीं, कंट्रोल कंट्रोल पोपटलाल, पहले भी गलत फहमियों के चक्कर में
काफी धोखे खा चुके हो। हेलो हेलो पोपटलाल जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एकदम लाउड लाउड एंड क्लियर। कैसे पता करूं कि शादीशुदा है या कुंवारी? एकदम डायरेक्ट पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पूजा जी, आप कल अकेली आ रही है? हाँ, ऑफिशियल ट्रिप है इसीलिए अकेली आ रही हूँ। इसका मतलब शादीशुदा है, कुंवारी नहीं है। मानना पड़ेगा आपके पति देव को पूजा जी। आप काम के सिलसिले में इतनी दूर मुंबई तक आ रही है और आपके पीछे वो आपके घर को परिवार को संभालेंगे। बहुत सपोर्ट करते हैं आपको आपके हस्बैंड। पोपटलाल जी, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारी हूँ। क्या? क्या? ओके, मतलब आप मिसेस पूजा नहीं, मिस पूजा है? जी हाँ। पूजा जी, दुनिया में इतने सारे अच्छे अच्छे कुंवारे लड़के हैं, तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? वैसे दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी कुंवारी लड़कियां हैं, आपने भी कहाँ शादी की है? ये तो मेरे बारे में काफी कुछ जानती है। हेलो पोपटलाल जी। हाँ, बोलिए बोलिए, आप अभी भी कुंवारे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100% कुंवारा हूँ। बताइए आपके क्या विचार हैं? विचार बहुत सारे, मिलकर बताती हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आपके घर में देर है, देर नहीं है। ओके पूजा जी, तो बताइए कल कब और कहाँ मिलना है? मैं कल सुबह फ्लाइट से मुंबई पहुँच रही हूँ और एयरपोर्ट से सीधा तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस जाने वाली हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं कल सुबह आपको सीधा एयरपोर्ट लेने आता हूँ, वहाँ से हम साथ में ऑफिस चले जाएंगे, रास्ते में बात भी कर लेंगे। अरे वाह, आपने गाड़ी खरीद ली? नहीं अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द खरीद लूंगा। लेकिन कल के लिए, वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, मेरे भाई जैसा है, सोडी, और मेरी सोसाइटी में रहता है, उसके पास फर्स्ट क्लास गाड़ी है, तो उसको लेकर आता हूँ आपको पिकअप करने। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कंपनी ने मेरे लिए गाड़ी अरेंज की है। ओके मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू पोपटलाल जी। कल मैं 11 बजे से शाम तक ऑफिस में रहूंगी, उसके बाद मेरी रिटर्न फ्लाइट है। पिछली बार तो संजोग नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार तो मैं आपको मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। कल आएंगे ना आप? अरे आऊंगा मतलब। कल सुबह 11 बजे से बंदा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। अरे आप कहे तो मैं एक काम करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके इंदौर ही आ जाता हूँ। वहाँ इंदौर एयरपोर्ट पर हम दोनों मिल जाएंगे और फिर साथ में इंदौर से मुंबई फ्लाइट में आएंगे, फ्लाइट में भी बहुत सारी बातें कर पाएंगे। You're very funny, पोपटलाल जी। और एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। आप प्लीज मुझे पूजा जी मत कहिए, सिर्फ पूजा कहिए। ओके पूजा जी। अरे मेरा मतलब है पूजा। और मैं भी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। आप प्लीज मुझे पोपटलाल जी मत कहिए, सिर्फ पोपट कहके, मेरा मतलब है सिर्फ पोपटलाल कहकर बुलाइए। ओके ओके ठीक है फिर, बाय। हाँ मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और कल सुबह के लिए हैप्पी जर्नी और सेफ लैंडिंग। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू भगवान, लगता है इस बार बात बन जाएगी। 100%। अच्छा आप लोग कब है? अरे पोपट अंकल, सॉरी पोपट अंकल, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है। अरे कोई बात नहीं बच्चों। मैं पोपट अंकल, कौन है ये पूजा जी? पत्रकार है,
तूफान एक्सप्रेस के इंदौर ब्रांच में काम करती है पूजा। पूजा जी से सीधा पूजा। अरे बच्चों एक्चुअली पूजा जी ने ही, मतलब अब पूजा ने ही मुझे कहा है कि पूजा जी मत कहिए, सिर्फ पूजा कहिए। ओ क्या बात है पोपट अंकल, और क्या कहा उन्होंने? हाँ एक्चुअली ना मैं 2 साल पहले वो जर्नलिज्म पे एक लेक्चर देने गया था इंदौर, वहाँ पूजा ने मेरा लेक्चर सुना था और मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी, तो तब से मुझसे मिलना चाह रही है, तो इसीलिए फोन किया था। क्या बात है। फिर मैंने पूछ लिया कि क्या विचार है आपके, तो बोला कि बहुत सारे विचार है, कल मिलके बताती हूँ। अरे वाह पोपट अंकल, हाउ स्वीट। और लगता है कि वो मुझसे शादी के सिलसिले में ही बात करना चाहती है। वाह 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 पोपट अंकल, लगता है इस बार मामला फुल सेट है। अरे नहीं नहीं बच्चों, इतना आसान थोड़ी है, सबसे पहले तो अभी मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, फिर और मुलाकातें होंगी और बातें होंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। ये पोपट अंकल दिखाए ना पूजा आंटी कैसे दिखते हैं। हाँ दिखाइए ना। अरे मैंने भी कहा देखा है अभी उसे, तो उसे देखने के लिए हम सबको इंदौर जाना पड़ेगा। पोपट अंकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, अभी चुटकियों में पता चल जाएगा कि वो कैसे दिखते हैं। एग्जैक्टली। देखो पोपट अंकल आप तो बहुत लकी हो, शी इज सो क्यूट एंड प्रिटी। आपकी और पूजा आंटी की जोड़ी तो एकदम मस्त लगेगी। आज पता चला सब्र का फल मीठा होता है। मन कर रहा है इस फोटो को देखता ही रहो देखता ही रहो। बैटरी उड़ जाएगी है? नहीं मतलब आपके फोन की बैटरी उड़ जाएगी ना, आप देखते ही रहेंगे तो उससे अच्छा फोन चार्ज पे लगा के देखिएगा। गोली मस्ती। वैसे पोपट अंकल आपकी बातें सुन के लग रहा है कि पूजा आंटी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है। मैं तो कहता हूँ आप मिलिए ही मत, आपकी इम्प्रेशन खराब होगी। मतलब ऐसे मत मिलिएगा, गिफ्ट लेके मिलिएगा ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ पोपट अंकल गोली एकदम सही कह रहा है, आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। हाँ। अरे बेटा कल वो ऑफिशियल विजिट पे आ रही है, रेस्टोरेंट में नहीं आई तो? कोई बात नहीं, आप सिर्फ गिफ्ट दे दीजिएगा, वेलकम गिफ्ट। कोई भी लड़की को गिफ्ट दो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तुझे कैसे पता, तुझे कौन देता है गिफ्ट? मुझे पता है। अरे बेटा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन गिफ्ट में क्या लेकर जाऊं? आइसक्रीम बेस्ट है, आइसक्रीम सबको पसंद होती है। मुझे इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे आंटी को इम्प्रेस करना है। हाँ, हाँ गोली। अरे क्या करूं? एक काम करता हूँ, अपने गोकुल धाम के दोस्तों से सलाह मशवरा कर लेता हूँ कि क्या गिफ्ट लेनी चाहिए। आपके दोस्त मतलब हमारे पापा लोग ना। हाँ। अरे क्या पोपट अंकल, आप उनसे पूछोगे तो आपको क्या आइडिया देंगे वो? मान लो अगर आपने हाथी अंकल से पूछा कि क्या गिफ्ट लेकर जाऊं, तो आपको बोलेंगे कि मिठाई का डब्बा लेकर जाओ। और जेठा अंकल को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गिफ्ट में दे दो। और आपने मेहता अंकल को पूछा तो वो कहेंगे कविता और शायरी की किताब ले जाओ। अभी पूजा आंटी को कविता और शायरी पसंद ना हो तो फिर आपका गिफ्ट तो गया ना रद्दी में। हाँ, और अय्यर अंकल और सोडी अंकल से पूछोगे कि क्या गिफ्ट लेकर जाओ तो आपको एकदम भलता ही आइडिया देंगे वो। और अगर आपने बीड़े अंकल को पूछा, बीड़े अंकल तो कोई अपने जमाने की गिफ्ट की आइडिया देंगे, जैसे शॉल। हाँ। और कोई मुझे शॉल गिफ्ट करेगा ना तो उसी शॉल में उसको लपेट के पीटूंगा। जस्ट किडिंग। इन शॉर्ट पोपट अंकल आप हमारे पापा लोग से आइडियाज मत लो। अरे तो किससे लो सजेशन के गिफ्ट में क्या लेना चाहिए? हमसे। आप लोग भी तो हो, अरे आप लोग इसी जनरेशन के हो, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, फ्रेश आइडियाज होंगे आप लोगों के पास कि भाई गिफ्ट में क्या लेकर जाना चाहिए। बताइए बताइए।
पोपट अंकल, आप उनके लिए एक अच्छा सा पर्स लेकर जाइए। पूजा आंटी डेफिनेटली बहुत खुश हो जाएंगी। पर्स? अरे वाह, बेस्ट आइडिया है। हाँ। अरे क्या बेस्ट आइडिया है पोपट अंकल? आपको पूजा आंटी का फेवरेट कलर पता है? नहीं। तो फिर आप कौन से कलर का पर्स लेके जाएंगे? अभी उनको साइज शेप कलर नहीं पसंद आई पर्स की तो? तो क्या लेके जाऊं? पोपट अंकल, आप परफ्यूम लेकर जाइए, बेस्ट है। हाँ, परफ्यूम बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ। एकदम सेफ है, नहीं? क्या सेफ है पोपट अंकल? आजकल परफ्यूम में कितनी वैरायटीज आ गई है, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि पूजा आंटी को कौन सा पसंद है? और जो पोपट अंकल, आजकल तो परफ्यूम से किसी किसी को एलर्जी भी होती है, तो अगर पूजा आंटी को एलर्जी हुई परफ्यूम से तो? नहीं, बता दिया ना, आइसक्रीम सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल है। अरे यार, इसकी गाड़ी अभी तक आइसक्रीम पे अटकी हुई है। गोली बेटा, दो मिनट प्लीज शांति रखना। क्या करूं? एक काम करता हूँ, 2100 का कवर दे देता हूँ, उसको जो गिफ्ट लेना होगा वो खुद ले लेगी। पोपट अंकल, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन गिफ्ट में कोई कवर क्यों देगा? कोई कवर नहीं देता है। कवर तो शादियों में देते हैं या तो कोई हमसे छोटा होता है उनको देते हैं। अरे तो क्या गिफ्ट लेकर जाऊं? आइडिया, पोपट अंकल, आप उन्हें ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। दुनिया की सारी लड़कियां ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलने पर सबसे ज्यादा खुश होती है, और ऑर्गेनिक है तो एलर्जी होने का भी कोई चांस नहीं है। यस 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 यस, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। पोपट अंकल, पूजा आंटी ट्रिपल इंप्रेस हो जाएंगे। थैंक यू सोनू बेटा, बेस्ट आइडिया है। एनी टाइम पोपट अंकल। लेकिन एक मिनट, ये इस वक्त कहाँ मिलेगा मुझे वो नेचुरल ऑर्गेनिक ब्यूटी हैम्पर? इस वक्त तो सारी दुकानें बंद होगी मार्केट में। अरे क्या पोपट अंकल, आप आज के डिजिटल जमाने में मार्केट जाने की बात कर रहे हैं? अरे मार्केट खुद ब खुद अपने घर आ जाता है। मतलब आप अभी ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर कीजिए, कल सुबह आपके घर पे गिफ्ट आ जाएगा। अच्छा, तो चलो चलो फटाफट गिफ्ट ऑर्डर करते, मेरा लैपटॉप आ रही है। सोनू बेटा, फटाफट कोई बढ़िया से गिफ्ट ढूंढ कर दो। पोपट अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ कर देती हूँ। मिल गया परफेक्ट गिफ्ट। पोपट अंकल, ये वाला हैम्पर ले लीजिए। इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गिफ्ट है। लेकिन सुनो बेटा, पूजा इस गिफ्ट से इंप्रेस तो हो जाएगी ना? 100% पोपट अंकल, इस हैम्पर में ऑर्गेनिक कंडीशनर, शैम्पू, बॉडी वॉश जैसी हर वो चीज है जो हम लड़कियों को पसंद है। अरे वाह वाह वाह, बेटा इसे ऑर्डर कर दे, अभी क्या भी कर दे। लेकिन पोपट अंकल, ये तो 6000 रुपए का है। ओ भाई, 6000 का नहीं, कुछ 600 का देख यार। 6000 वाली गिफ्ट में पूजा आंटी तो इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन हमारे पोपट अंकल डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं 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 बेटा, प्यार में प्राइस टैग नहीं देखा जाता, डन कर दो। क्या बात है पोपट अंकल, वाह। वैसे फ्रेंड्स, पोपट अंकल एकदम स्मार्ट है। उनको पता है पूजा आंटी शादी के बाद घर पे आने वाले हैं, तो 600 की गिफ्ट दे या 6000 रुपए की, प्रोडक्ट्स तो सारे घर पे ही आएंगे ना। चलो फटाफट ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन बच्चों, ये गिफ्ट कल सुबह तक आ जाएगा ना? हाँ, देखिए ना पोपट अंकल, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये गिफ्ट आपको कल सुबह 10 बजे तक घर पे मिल जाएगा। लिखा है, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। ये कार्ड की डिटेल्स डाल रहा हूँ, सब सेफ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे नहीं नहीं पोपट अंकल, ये साइट ट्रस्टेड है, इट्स ओके। कर दो पेमेंट कर दो। हो गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए पोपट अंकल, आपकी शादी के सफर का आधा रास्ता तो तय हो चुका है, आधा आपको खुद तय करना है। रास्ता क्या,
अब तो सीधा शादी तय होगी। क्यों पोपट अंकल? जी पिघल गई पोपट अंकल, आपकी आइसक्रीम पिघल गई। अरे आइसक्रीम क्या, यहाँ पूरे के पूरे पोपट अंकल पिघल गए। चलो फ्रेंड्स घर चले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलिए पोपट अंकल अब आप आराम कीजिए क्योंकि कल का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप पोपट अंकल याद रखना, अगर आपकी बात पक्की हो गई तो पार्टी देना भूलना मत। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई शादी पक्की होते ही आप लोगों की पार्टी नक्की। और आप पोपट अंकल कल आप एकदम मस्त टिप टॉप तैयार होके ब्लेजर पहन कर जाना। हाँ हाँ चलो फ्रेंड्स बहुत लेट हो गया, पोपट अंकल को सोने देते हैं। चलो चलते हैं। हाँ भाई ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सोनू। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बच्चा गुड नाइट। पूजा अब तेरे सिवा ना और कोई दूजा। अरे बापूजी टप्पू आया? नहीं अभी तक नहीं है। उसका कुछ फोन वोन आया? नहीं। अरे कहाँ घूम रहा है ये लड़का? यस बोलिए पापा। अरे क्या बोलिए, कहाँ घूम रहा है तू, कहाँ था? टप्पू सेना के साथ। वो हम पोपट अंकल के घर पे आइसक्रीम पार्टी कर रहे थे। अरे टप्पू तुम लोग अपनी मस्ती से कब आ जाओगे भाई? मेहता साहब तो अच्छे कि उनके घर पे तुम लोगों ने चोरी छुपे जो पिज्जा पार्टी की तो माफ कर दिया, लेकिन ये पोपटलाल पता है ना अतरंगी दिमाग का है, वो माफ नहीं करेगा। तुम लोगों को तो कुछ कहेगा नहीं, हम सबकी दुनिया हिला देगा। अरे आइसक्रीम पार्टी करनी थी तो पोपटलाल अंकल के घर पे क्यों की, यहाँ करनी थी ना। अरे पापा हम लोग चोरी छुपे पोपट अंकल के घर पे आइसक्रीम पार्टी नहीं कर रहे थे, उन्हीं के साथ आइसक्रीम पार्टी कर रहे थे। नहीं ठीक है, लेकिन बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ कितनी आइसक्रीम खाई? एक्चुअली दादाजी लेट आइसक्रीम खाने में नहीं हुआ, तो पोपट अंकल को पूजा आंटी का फोन आया था इसलिए लेट हुआ। ओ अच्छा पूजा आंटी का फोन आया था। पापा आप जानते हो पूजा आंटी को? अरे नहीं भाई। तो फिर? अरे क्या तो फिर, तू खुद बात ऐसे कर रहा है जैसे हम सब पूजा आंटी को जानते हैं। पूजा आंटी का फोन आया था? अरे पहले बता तो सही कौन पूजा आंटी भाई? ओ सॉरी एक्चुअली पूजा आंटी तूफान एक्सप्रेस की इंदौर वाली ब्रांच में काम करते हैं, और वो कल कुछ ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे हैं तो पोपट अंकल को मिलना चाहते हैं, और पोपट अंकल को उनको कुछ वेलकम गिफ्ट देना था तो बस वो गिफ्ट सिलेक्ट करने में उनकी हेल्प कर रहे थे इसलिए लेट हो गया। बेटा फोन करके बता तो देना चाहिए ना कि भाई लेट होगा। ठीक है ना अभी आ गया ना, चलो अभी सो जाते। दादाजी हम तो सो जाएंगे लेकिन पोपट अंकल को एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात नींद नहीं आएगी। ये भगवान क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। प्लीज ऐसा कुछ करो कि मुझे नींद आ जाए। देखिए अगर अभी मुझे नींद आ गई ना तो कल किसी गरीब को मैं 11 रुपए की मदद करूंगा पक्का। पूजा पूजा ये तुमने क्या कर दिया है, तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना, मुझे सोना पड़ेगा, कल सुबह मैं जब तुम्हें मिलूं तब मुझे फ्रेश दिखना पड़ेगा वरना तुम ढूंढ लोगी कोई और दूजा। चुप चुप बोलो पोपटलाल, हे भगवान प्लीज कुछ भी करो कहीं से भी नींद को भेज दो। चलो ओके तुम भी सो जाना है, गुड नाइट कल सुबह मिलते हैं।
पूजा जी, मेरा मतलब है पूजा। थैंक यू सो मच तुम मुझसे मिलने आई। मुझे पता है ऑफिस का तो सिर्फ बहाना है, तुम सिर्फ मुझसे मिलने यहाँ दूर मुंबई तक आई हो। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू माय लाइफ। मैं बैठ सकता हूँ? एक बात कहूँ पूजा, तुम तस्वीर में जितनी खूबसूरत दिखती हो ना, उससे कहीं ज्यादा हकीकत में खूबसूरत दिखती हो। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत से बनाया। मैं भी एक बात कहूँ? हाँ हाँ प्लीज। आपको देख के मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सच? अरे 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 सुनो सुनो पूजा, अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसी आपकी मर्जी। विवाह का मुहूर्त हो गया है, पर यहाँ आ गया ये, अब वधु को बुलाइए। पूजा आओ ना। आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए तैयार हैं? अरे मैं तो बचपन से तैयार बैठा हूँ। वर वधू को वरमाला पहनाइए। अरे के शादी के बीच में घंटी कौन बजा रहा है? पूजा पूजा, अरे कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? अरे वरमाला तो पहन कर जाओ। पूजा मंडप, पंडित ये सपना था? भगवान आप भी कमाल हो, आप सपने में भी मेरी शादी नहीं होने दे रहे। चलो अच्छा है, सपना था, इस सपने में कैंसिल हुई चलेगा, हकीकत में शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कितना बजा? 7:30। अरे बाप रे मर गए, बहुत लेट हो गया। अरे एक मिनट, आया आया। अरे आ रहा हूँ भाई। कितनी बेल बजा रहे हो, और थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? क्यों साहब? अरे मेरी शादी हो रही थी, तुम्हारे चक्कर में रुक गई। क्या बात कर रहे हो साहब, आपकी शादी कब और कहाँ हो रही थी? सपने में। ओह अच्छा, सपने में। मैं वरमाला पहनाने ही वाला था कि तुमने घंटी बजा दी और सपना टूट गया। यानी आपकी शादी सपने में भी नहीं हुई? नहीं सॉरी, बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं इतना भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। हाँ साहब जरूर हो जाएगी। लाओ लाओ दूध तो दो। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक। चलो फटाफट तैयार हो जाता। टप्पू सेना ने बोला था मस्त ब्लेजर पहन कर जाना, कौन सा पहनूं? ये अच्छा रहेगा, इसकी हालत तो देखो,
इस्त्री नहीं है, ऐसे पहन के जाऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगी मेरी। चलो मैं इस्त्री कर ही लेता हूँ। मैं इस्त्री करने बैठूंगा तो सब लेट हो जाएगा। इस्त्री वाले को देखकर आता हूँ। किसका मैसेज आया? पूजा का मैसेज? क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आज हमारी मुलाकात जरूर होगी। अरे होगी होगी, क्यों नहीं होगी, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। सी यू। वाह, दिन की शुरुआत पूजा के मैसेज से। मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ। प्यारी पूजा, नहीं, गुड मॉर्निंग पूजा जी। पूजा जी भी नहीं, सिर्फ पूजा। होगी होगी, आज हमारी मुलाकात जरूर होगी। आज का दिन शुभ रहे, ऐसी शुभकामनाएं। हो गया। ओहो पोपटलाल, आज ये ब्लेजर तो आपकी इंप्रेशन पे चार चांद लगा देगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं यार भाई, देखकर नहीं चल सकते? अरे मेरे को क्या बोलता है, तुम देखकर नहीं चल सकते? तो अच्छा हुआ मेरे ब्लेजर को कुछ हुआ नहीं है, वरना मैं आपकी दुनिया हिला देता। अरे एक कपड़े के लिए तुम मेरा दुनिया हिला देता? कपड़ा? इतना सुंदर ब्लेजर आपको कपड़ा लगता है? अरे यार भाई, ये ब्लेजर ब्लेजर नहीं है। तो क्या? अरे क्या तो क्या है, ये ब्लेजर आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है। क्या बबड़लाल, तुम कोई भी चीज को लेकर इमोशनल हो जाता है। कभी वो पेन को लेकर, कभी गद्दे को लेकर, कभी तुम्हारा वो चाहते को लेकर, अभी ये ब्लेजर को लेकर। क्योंकि मैं इमोशनल इंसान हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको? गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। क्या हो पोपट भाई? बबीता, मैं यहाँ से जा रहा था और ये पोपटलाल अपना विंग से दौड़ कर आ रहा था और बिना देखे मेरे को टक्कर मार दिया। क्या कुछ भी बोल रहे यार भाई, अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? देखकर कौन टक्कर मारता है? बबीता जी, सारी गलती अय्यर भाई की है। मेरा गलती है? पोपटलाल तुम्हारा गलती है। अरे सौ बात की एक बात, अय्यर भाई गलती आपकी है। अरे, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्यों छोटी सी बात को इतना बढ़ा रहे हो? एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात को खत्म करो, दैट्स इट। बबीता अय्यर प्लीज कम ऑन। ओके पोपटलाल, आई एम सॉरी। देखिए मेरा भी आज मूड बहुत अच्छा है, मैं भी आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको माफ किया, दोबारा मत करना। देखो बबीता, मेरे को बिना सॉरी बोले चला गया। आई नो आई गेट, इट्स ओके ना, दोस्तों में से चलता है। अरे रिलैक्स, चलो तुम, इट्स ओके, चलो। ये ला भाई, इसे फटाफट फर्स्ट क्लास इस्त्री करके दे दे, एकदम कड़क। अरे पोपटलाल जी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बगल की सोसाइटी में शादी हो रही है, सब मेहमानों के कपड़े प्रेस करके देने हैं मुझे। अरे भाई उसकी शादी हो रही है, मेरी होने की संभावना है, समझा कर। शादी में आए हुए मेहमानों के कपड़े बहुत हैं, पहले वो प्रेस करने पड़ेंगे मुझे। भाई एक ब्लेजर में कितना टाइम जाएगा भाई, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। अच्छा तू ये मान ले मैं उसी शादी का मेहमान हूँ। अरे पोपटलाल जी, तू 2-3 रुपए ज्यादा ले लेना। अच्छा ठीक है, अर्जेंट में प्रेस करने के 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए एक ब्लेजर के? ठीक है, अरे आज तो मुझसे 50 क्या 100 रुपए ले ले। लेकिन जब मेरी शादी तय होगी ना, जो कि बहुत जल्द होने वाली है, तो मैं अपनी शादी में जितने मेहमान आएंगे ना, उनके सारे कपड़े किसी और स्त्री वाले को दूंगा। अरे आप तो बुरा मान गए। ठीक है कर देता हूँ। ये हुई ना बात, फटाफट करके घर पे दे। जी जी चलता हूँ। अच्छा सुन, जरा आराम से वो छोटे बच्चे को सहलाते है ना, वैसे प्यार से इस्त्री करना, ये ब्लेजर जला वाला मत देना। अरे पोपटलाल जी मेरा रोज का काम है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है ठीक। अरे हाँ भाई, इस्त्री करते वक्त अपनी स्त्री से बात बात करना। क्या ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे पोपटलाल जी आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है चलता हूँ, मैं दुआओं में याद रखना और दिल लगा के इस्त्री करना। अरे आप बात करते रहेंगे तो मैं इस्त्री कब करूंगा? नहीं नहीं बराबर है भाई, तू कर कर कर, मैं निकलता हूँ। जब तक ब्लेजर प्रेस होके आता है तब तक बाकी के काम निपटा लेता हूँ। अरे हाँ एक बार डिलीवरी एजेंट को पूछ लूँ कहाँ पहुँचा है।
कल रात को मैसेज आया था, कहाँ गया? हाँ, मिल गया नंबर। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ हेलो। अरे भैया तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कौन बोल रहा है? अरे मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। कल रात को मैंने वो ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया था, पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन डिलीवरी नहीं पहुंची अभी तक। कहाँ है भाई? सर मैं बाइक पे ही हूँ, आप ही का पार्सल लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। और सुनो भाई, ये बाइक चलाते वक्त किसी से फोन पे बात करना बहुत खतरनाक है भाई, तुम्हारे लिए और मेरे पार्सल दोनों के लिए। अरे नहीं नहीं सर, मैं अभी बाइक रोक करके आपसे बात कर रहा हूँ। बाइक क्यों रोक दे भाई? तो वैसे रुक रुक कर चलाओगे तो मेरा गिफ्ट कब पहुंचेगा? और अगर देखो मेरा पार्सल टाइम पे नहीं पहुंचा ना, तो मैं तुम लोगों की कंपनी पे केस कर दूंगा। सर आपने मुझे फोन किया, इसीलिए मैंने आपसे बात करने के लिए बाइक रोकी है। मैं फोन ना उठाऊं तो प्रॉब्लम, मैं बाइक रोक करके फोन उठाऊं तो प्रॉब्लम, वो सब मुझे नहीं पता है। बस मेरा पार्सल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। हाँ सर, लेट नहीं होगा, आपका पार्सल टाइम पर पहुंचा दूंगा। और सुनो, अब कोई भी फोन करे ना, फोन मत उठाना। हाँ सर ठीक है। फटाफट आओ और हाँ, बाइक आराम से चलाना। ओके सर। अरे गिफ्ट तो आ रहा है, लेकिन उस पर गिफ्ट रैक तो हुआ नहीं। ऐसे गिफ्ट दूंगा तो कैसा लगेगा, क्या करूं? डिलीवरी एजेंट को रिक्वेस्ट करता हूं गिफ्ट रैप करवा के लाने के लिए। अरे फोन उठाओ। अरे अभी तो बात की थी इससे, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो। अरे भैया तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सर आपने ही बोला था कि कोई फोन ना उठाऊं, काफी बार फोन आया इसलिए उठाया। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा दोस्त, आपका नाम क्या है? हरीश। हरीश, हरीश, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया नाम है। थैंक यू सर। अच्छा सुनो ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये जो मेरा पार्सल तुम ला रहे हो ना, उसे जरा गिफ्ट रैप करा सकते हो? हो जाएगा सर, ये तो हमारा रोज का काम है। अरे वाह। लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा। अरे मैं तुम्हें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। अभी तुम फटाफट गिफ्ट रैप करवा के वो गिफ्ट लेकर मेरे घर पर पहुंचो, है अभी ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ सर आता हूँ आता हूँ। ओके चल। पूजा पूजा, बहुत लकी हो तुम मेरे लिए, सारे काम टाइम से हो रहे बिना किसी गड़बड़ के। रात से पहले किसी लड़की को मिलने की इतनी खुशी कभी नहीं हुई।